टैंक में भाई हम बैठ चुके हैं और गाइस सच में इसका आवाज जो वो बहुत तेज है भाई। सो हे गाइस यार कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए एपिसोड में माइनक्राफ्ट के। तो यार गाइस आज हम जो है भाई एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं गाइस। और गाइस अपने पास जो है बहुत सारी तैयारी करके रखी हुई है गाइस मैंने, और मैं आप लोगों को बस अपना बैकयार्ड दिखाने वाला हूं घर का। तो यार ये मेरा एक छोटा मोटा टेम्परेरी घर है भाई, और यहाँ पे मैंने जो है भाई नेदर पोर्टल बनाया हुआ है। और उसके अलावा गाइस देखो गाइस मेरे पास क्या क्या है भाई, मेरे पास एक फाइटर हेलीकॉप्टर है गाइज, और उसके अलावा गाइज मेरे पास एक टैंक भी है भाई जिसके अंदर भाई बहुत तगड़ी मशीनरी है। हालांकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का टैंक है, ये ज़्यादा हाईटेक टैंक नहीं है, लेकिन गाइज अभी भी इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा गाइज मेरे पास जो कि भाई अवतार मूवी आप लोगों ने देखी होगी उसके अंदर एक मशीन यूज हुई थी, तो वो भी मेरे पास है भाई। और इसके पास देख रहे हो क्या बड़ी बड़ी गन्स है भाई। और उसके अलावा गाइज मेरे पास एक छोटे वाला रोबोट भी है, लेकिन छोटा दिखता है गाइज, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और उसके अलावा गाइज अभी मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ जो कि है भाई ये रहा वो टैंक। तो गाइज ये वो टैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टैक है। तो गाइज अभी हम जाने वाले एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारने के लिए जिसका नाम है भाई एंडर ड्रैगन। और उसके अलावा गाइज हमारे पास एक कार भी है भाई जिसकी हेल्प से भाई हम जो है अपने वर्ल्ड में इधर उधर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे इनको यूज़ करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा गाइस। सबसे पहले गाइस हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं भाई, अब हम इतनी सारी मिलिट्री की चीज़ें ले रखी है तो क्यों ना यार हम कुछ थोड़ी सी तैयारी कर लें। तो हमें एक अच्छा सा आर्मर चाहिए होगा। तो भाई देखो क्रिसमस चल रहा है इसलिए भाई ये चेस्ट वगैरह का जो कलर है ना वो बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह हो गया है। तो चलो भाई हमारे पास बहुत सारा सामान है, तो गाइस अभी हम इसमें से एक नाइट विजन पोशन ले लेते हैं। और गाइस मैं एक ले लेता हूँ भाई ये हैट, और अपने लिए भाई आर्मर वगैरह ले लेता हूँ। तो गाइज अब जो है मैं ये सारे के सारे आर्मर पहन के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि भाई मैं किस तरीके का दिखता हूँ। तो गाइज ये देखो गाइज मैं बिल्कुल ही गाइज एकदम ही हाईटेक लग रहा हूँ भाई अगर आप लोग देख रहे हो तो। और भाई मुझे अच्छा खासा फायर रेसिस्टेंस और जंप बूस्ट मिल रहा है। और गाइज जो ये जंप बूस्ट है भाई ये मुझे एक्सोस्केलेटन की वजह से मिल रहा है, और इससे गाइज हमारी स्पीड जो वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। तो देख रहे हो गाइज क्या जंप मार रहा हूँ भाई, मैं एकदम फुल फुर्ती में जंप मार रहा हूँ। तो गाइज ये जो एक्सोस्केलेटन है ना गाइज ये मुझे जो पावर देगा भाई स्पीड में चलने में और हाई जंप करने में। तो भाई ये एक हाई टेक्नोलॉजी है जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के पास है, और मिलिट्री से गाइज हमने ले लिया क्योंकि भाई मिलिट्री के साथ अपना अच्छा खासा संबंध बने हुए हैं। और गाइज आई लव सोल्जर्स, तो इसलिए भाई वो भी हमें प्यार करते हैं और हम भी उनको प्यार करते हैं। तो एक लाइक भाई सोल्जर्स के लिए। तो चलो गाइज अभी हम जाने वाले भाई नेदर में, क्योंकि गाइज हमारे पास एंडर आई तो है बट हमें गाइज आई ऑफ एंडर बनाना, तो उसके लिए गाइज हमें ब्लेज पाउडर चाहिए होगा। तो भाई ब्लेज पाउडर के लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर में। तो गाइज नेदर चलने की तैयारी कर लेते हैं भाई। अभी मैं बो पिकैक्स वगैरह तलवार वगैरह रख लेता हूँ अपने पास, और एक मेडिकेट रख लेता हूँ। और नेदर में जाने के लिए गाइज मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर का यूज करूंगा। तो भाई ये हेलीकॉप्टर का यूज होने जा रहा है अभी, अगर मैं इस पे शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो गाइज ये जो है कॉम्पैक्ट होके मेरे इन्वेंट्री में आ जाता है। तो चलो भाई चलते हैं गाइज, अभी अपन की तैयारी जो पूरी की पूरी हो चुकी है तो नेदर में चलते हैं, देखते हैं कैसा मिलेगा नेदर अपने को। तो गाइज किस्मत अपना इतना अच्छा है कि गाइज अपन सीधा का सीधा भाई नेदर फोर्ट्रेस में जो है स्पॉन हो गए हैं, और ये चीज बहुत ही बढ़िया गाइज। तो मैं अभी एक नाइट विजन पोशन लेने वाला हूँ गाइज, और भाई अभी मैंने नाइट विजन पोशन ले लिया है। तो गाइज हमें यहाँ पे चेस्टें मिल गई है भाई, तो चलो थोड़ी सी लूट वूट ले कर लेते हैं भाई, हमें बाद में भी काम आ सकती है ये लूट। तो गाइज अपने को जल्दी से जल्दी ब्लेज को ढूंढना है, और ब्लेज मिलते के साथ ही गाइज अपना काम हो जाएगा। मुझे लगा था गाइज मुझे हेलीकॉप्टर का यूज करना पड़ेगा और मैं उड़ करके नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढूंगा, बट अभी गाइज मुझे लगता है ना यहाँ पे हेलीकॉप्टर को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली भाई, क्योंकि अपने को ऐसे ही मिल गया है नेदर फोर्ट्रेस। तो यहाँ पे मुझे इनको मारना पड़ेगा भाई, तो बहुत ही अच्छी पावर है भाई मेरे स्वॉर्ड की। और ये तो दूर चला गया, तो इसको पास आने का वेट करते हैं, क्योंकि ये पास आएगा तो ही हम इसको मार पाएंगे, वरना इसकी जो ब्लेज रोड है वो नीचे गिर जाएगी। तो गाइज ये ब्लेज तो भाई नीचे ही नीचे जाए जा रहा है, हमें लगता है गाइज हमें दूसरे ब्लेज को ढूंढना पड़ेगा। मुझे ऊपर से भी आवाज आ रही है, आई थिंक यहाँ पे ब्लेज हो सकते हैं, लेट मी चेक। ओके गाइज तो यहाँ पे अंदर भी ब्लेज है भाई, तो यहाँ से मार के हम थोड़ा सा ब्लेज ले लेते हैं भाई। तो अपने को तीन ब्लेज रोड जो है भाई मिल गई हैं अपन को, लेकिन थोड़ा सा और ब्लेज रोड चाहिए भाई। और यहाँ पे अपने को अपना तो इन्वेंटरी फुल हो गया भाई। सो गाइज यार थोड़ा सा ढूंढने के बाद अपने पास 14 ब्लेज रोड हो गया है, और गाइज अभी निकलते हैं हम सीधा घर की तरफ। तो चलो यार घर पे निकलते हैं सीधा। और गाइज यार हम अपना गन और भाई
हेलीकॉप्टर तो यूज कर ही नहीं पाया नेदर में, क्योंकि भाई अरे ये कहां से आ गया भाई, मर जा। चलो भाई गाइज अपन घर पे वापस आ चुके और भाई रात हो चुके, तो अपने को सोना पड़ेगा सबसे पहले तो। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग हो गई है गाइज। तो भाई अभी अपने के पास जो है बहुत सारा सामान भर गया है भाई इन्वेंटरी में, तो चलो सबसे पहले तो गाइज इसको खाली कर लेते हैं। सो गाइज अभी जो हम ब्लेज रोड को जो है भाई ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं और एंडर पर्ल को कर लेते हैं आई ऑफ एंडर में। तो गाइज ऑलमोस्ट हमारी सभी चीजें जो है भाई बन गई हैं। सो गाइज यार मैंने ऑलमोस्ट सभी चीजें ले ली है भाई, और मैंने अपना डायमंड वाला आर्मर ले लिया जिसमें मैंने बहुत अच्छी इंचेंटमेंट की हुई है, और उसके अलावा गाइज मैंने थोड़े एक RPG ले लिया है और एक M249 ले ली है और एक RPD ले ली है। तो गाइज ये तीन गन है मेरे पास, है एक हेलीकॉप्टर है मेरे पास जिसके लिए भाई मैंने एक्स्ट्रा फ्यूल ले लिया, और इसके लिए इसमें बॉम्ब वगैरह डलते हैं हेलीकॉप्टर में क्योंकि ये फाइटर हेलीकॉप्टर, तो इसके लिए भाई मैंने थोड़े से गोला बारूद ले लिया, और भाई मेरे पास मेडिकिट है और बाकी एमओ वगैरह और पोशन वगैरह है, और मेरे पास एक बेड भी है गाइज ताकि मैं वहाँ पे बेड लगा लूँ। और गाइज मेरे पास अभी हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर में ही जाने वाले गाइज हम ढूंढने के लिए भाई हमारे एंड पोर्टल को। तो चलो भाई देखो ये पीछे की तरफ जा रहा है और मैं गलत जगह बैठ गया हूँ। चलो गाइस हेलीकॉप्टर जो है रेडी हो गया है भाई। बस इसको उड़ाना थोड़ा मुश्किल है गाइस, क्योंकि भाई ये आवाज भी बहुत कर रहा है गाइस। तो हमें जाना था इस तरफ। गाइस मुझे वापस घर जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है भाई वो बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है चलाना। ओ भाई सो गाइस यार ये हेलीकॉप्टर तो बहुत ही मुश्किल है भाई चलाना, यानी कि गाइस अपन हेलीकॉप्टर जो है भाई नहीं लेके जा सकते। तो ऐसा करते हैं गाइस गाड़ी का यूज करते हैं, आई होप कि भाई अब ये सही तरीके से चल जाए। तो चलो फाइनली गाड़ी सही तरीके से चल रही है। ओके गाइस चलो भाई गाड़ी बहुत सही तरीके से चल रही है, लेकिन यार गाइस अगर मेरे को जरूरत पड़ गई गाइस वहाँ चढ़ने की, मतलब अगर जैसे कि मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा तो ये गाड़ी काम नहीं आएगी भाई, तो मैं गाइस ये बड़ी वाली मशीन लेके चलता हूँ भाई। तो ये मशीन मेरे को बिल्कुल सही लग रही है गाइस, एकदम परफेक्ट। देख रहे हो गाइस ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं कोई एलियन वाली मशीन चला रहा हूँ, और ये पानी वगैरह में भी चल सकती है भाई ये मशीन। देख रहे हो गाइस ये सही है यार, देख रहे हो पानी वानी में भी चल रही है ये एकदम इजी तरीके से। सो गाइस मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ भाई, और रात भी हो गई है, और आप देख सकते हो कि भाई ये जो आई ऑफ एंडर ना ये यहाँ नीचे की साइड जा रहा था। चलो भाई यहाँ नीचे की साइड चलते हैं और मैं ये अपना रोबोट जो है भाई ये ले लेता हूँ, और भाई रात भी हो गई तो यार मुझे सो जाना चाहिए। तो रोबोट तो मैंने ले लिया है, और इनको मैं मिसाइल से मारना चाहूँगा, या फिर मेरे पास बॉम्ब भी है गाइस, क्यों ना मैं बॉम्ब ट्राई करूँ भाई इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। चलो लेट मी चेक बॉम्ब काम करता है कि नहीं करता, मरने चाहिए ये अभी। अरे यार ये थोड़ा पहले फेंकना पड़ेगा मुझे, अभी देख। अरे भाई मुझे भी डैमेज पड़ा गाइस, और भाई देख रहे हो आप सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मर गए भाई। भाई ये बॉम्ब तो बड़े ही ज़बरदस्त हैं यार। चलो सही है गाइज अभी चलते हैं नीचे की तरफ और ढूंढते हैं भाई एंड पोर्टल, लेट्स गो। सो ऑलमोस्ट गाइज मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ भाई, और यहाँ पे एक चेस्ट है भाई जैसा कि मिलती है भाई, और फालतू का सामान है भाई चेस्ट में, और कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है गाइज यहाँ के नेदर पोर्टल में। तो गाइज मेरा सबसे पहला मिलने वाला एंड पोर्टल है गाइज, इतना जल्दी एंड पोर्टल मुझे आज तक नहीं मिला भाई। सो यार आई एम सो लक्की गाइज। तो चलो गाइज इस पोर्टल को जो है भाई एक्टिवेट कर लेते हैं, और तो चलो यार गाइज अब चलते हैं अंदर की साइड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, आई होप कि जो एंडर ड्रैगन है भाई उसको मैं इजीली मार पाऊँ। तो भाई अभी टाइटन की जो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम टाइटन को साथ में लेके जाएंगे भाई, इन केस ऑफ इमरजेंसी पड़ सकती है उसकी हमें ज़रूरत। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ भाई एंडर ड्रैगन के एरिया में, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा बिल्ड करके जाना पड़ेगा गाइज एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। वैसे यार एंडर ड्रैगन को आजकल कोई भी मार दे रहा है, कोई बैड से मार दे रहा है, कोई TNT से मार दे रहा है, कोई भाई अजीब अजीब चीजें तरीके से मार रहे हैं एंडर ड्रैगन को, मतलब कोई तो लकड़ी की स्वॉर्ड से भी मार दे रहा है भाई एंडर ड्रैगन को। एंडर ड्रैगन की किस्मत में लिखा है हमसे मरना, तो चलो उसको मारते हैं, लेट्स गो। तो चलो गाइज हम अंदर जो है भाई आ गए हैं। ओके गाइज तो भाई ये सारे के सारे जो एंडरमैन मेरे पे एग्रो हो गए हैं,
अब मुझे नहीं पता ये एंडरमैन्स मेरे पे एग्रो क्यों हुए हैं भाई। अब मुझे गाइस इनको पेलना पड़ेगा। चलो गाइस, ओ भाई मुझे इंचेंटेड एप्पल खाना पड़ेगा गाइस, वरना ये तो भाई पेल ही देंगे मुझे यहाँ पे। हो माय गॉड गाइस, क्या भाई इतना तगड़ा मेरे पे एग्रो हो गई है एंडरमैन्स। बात देख मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा गाइस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो एंडरमैन्स है भाई वो मुझ पे एग्रो हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और वेपन अपने रिलोड कर लेता हूँ गाइज ये सब चीज़ें भाई, क्योंकि अभी ये इनको मैं पेलने वाला हूँ। तो गाइज यार सब चीज़ भाई मैंने रेडी कर ली है, और भाई अभी मैं जाने वाला हूँ ऊपर। ओ माय गॉड गाइज, तो भाई अभी मैं जाने वाला हूँ ऊपर, और गाइज अब मैं ये टैंक यहाँ पे रखने वाला हूँ, और इस टैंक में हम बैठेंगे और भाई छुट्टी कर देंगे सीधा एंडरमैन की। तो चलो इसमें बैठते हैं, लेट्स गो। तो गाइज इसका आवाज भाई बहुत तेज है यार, सीरियसली गाइज। तो गाइज टैंक में भाई हम बैठ चुके हैं, और गाइज सच में इसका आवाज जो वो बहुत तेज है भाई, और इसको चलाना भी बहुत मुश्किल है गाइज। तो चलो भाई निशाना लगाते हैं एंडरमैन पे। पहले तो मैं उसका जाल तोड़ूंगा गाइज, जो वहां पे जाल है। तो गाइज इसका जाल तो भाई टूट नहीं रहा है। ये आया एंडर ड्रैगन भाई, एंडर ड्रैगन को कुछ असर नहीं पड़ रहा है भाई इसका गाइज। ओके इसका क्रिस्टल भी बच गया गाइज, तो भाई एंडर ड्रैगन को ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है गाइज इसके गोलों का। ये आरपीडी का यूज़ करने वाला हूँ गाइज, तो इससे चेक करते हैं भाई टूटते क्या नहीं टूटते इसके क्रिस्टल। लेट मी चेक। ओके तो ये बच गया गाइज, अगर ये अभी इस साइड आता तो मैं इसको मारता डेफिनेटली। तो ये मैं तोड़ के देखता हूँ। ओके गाइस भाई इससे क्रिस्टल टूट रहे हैं भाई मिसाइल से, लेट्स गो बॉयज। क्या मैं इसको मार पाऊंगा गाइस, मैं देख लेता हूँ गाइस। मेरे पास बहुत ही कम मिसाइल्स है गाइस, लेकिन गाइस इसी इन्हीं मिसाइल्स में जो हमें एंडर ड्रैगन को मारना होगा। फिलहाल एंडर ड्रैगन जो है नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं M249 लेने वाला हूँ भाई, और देखते हैं भाई M249 कुछ असर करते हैं नहीं करते इस पे। M249 तो गाइस कुछ ज़्यादा असर नहीं कर रही है भाई इस पे। तो मुझे लगता है गाइस मुझे ये क्रिस्टल जो है तोड़ने ही पड़ेंगे भाई। सो गाइस ये लास्ट क्रिस्टल इसका बचा है भाई, तो चलो इसको भी तोड़ देते हैं गाइस। तो गाइस मैं ये आरपीजी से तोड़ूंगा भाई इसका ये लास्ट क्रिस्टल जो है। और ये ड्रैगन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था बट मार नहीं पाया। ओके गाइस मैं खुद भी नीचे आ गया भाई, और चलो कोई नहीं गाइस मैं मेडिकिट का यूज कर लेता हूँ, एक मेडिकिट मेरी खर्च हो गई है। तो चलो भाई अब ये ड्रैगन जो है नीचे आएगा गाइस। गाइज ये तो बहुत पावरफुल है गाइज, ये एंडर ड्रैगन तो भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइज। तो ये नीचे आ रहा है गाइज, तो मुझे भाई दो फ्रैग, मैंने तीन फ्रैग फेंक दिए गाइज, आई होप कि इसको असर पड़े थोड़ा। ओके गाइज तो भाई फ्रैग से इसको असर पड़ रहा है गाइज। सो गाइज जो एंडर ड्रैगन है गाइज उसका जो है 1 HP बचा है गाइज, और भाई ऑलमोस्ट ये मरने वाला है सच में गाइस। और भाई ओके गाइस तो एंडर ड्रैगन को हमने मार दिया गाइस, और वो भी गाइस हमने हाथ से एंडर ड्रैगन को मारा है भाई, ना ये टैंक से मरा ना ये बंदूकों से मरा भाई, और ये तलवार से भी नहीं गाइस, ये हमने हाथ से मारा है भाई। इसका जस्ट 1 HP बचा था, जैसे एंडर ड्रैगन हमें मारने को आया भाई, तो हमारे ये जो एक्सोस्केलेटन वाला है जिसके अंदर भाई नॉक बैक है रेसिस्टेंस है, इसकी वजह से गाइज ये एंडर ड्रैगन जो है हमारे हाथों से ही मर गया भाई। तो यार ये तो एक बहुत ही अजीब सा मतलब कॉम्बिनेशन हो गया है भाई, कि एंडर ड्रैगन को हमने हाथों से ही पेल दिया भाई, और उसके अलावा गाइज हमारे पास जो है भाई ये दुनिया की सबसे हाई टेक मशीनें है गाइज, तो इन मशीनों का भी गाइज हम यूज करके दिखाएंगे आप लोगों को आने वाले टाइम में गाइज। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइज ये वाला आपको गेम जो है कैसा लगा गाइज, एंडर ड्रैगन को हमने इस तरीके से मारा। एक ऐसा वीडियो भी बना देंगे कि भाई आप किस तरीके से जो है ये वाले मोड पैक खेल सकते हो अपने वेनीला माइनक्राफ्ट में, मतलब आप नॉर्मल माइनक्राफ्ट में भी खेल सकते हो भाई ये वाले मोड पैक, बहुत ईजी है गाइज इनको इंस्टॉल करना और प्ले करना। तो अभी भाई हम दुनिया की सबसे रेयरेस्ट चीज उठाते हैं और निकलते हैं सीधा घर की तरफ, और हम आपसे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।